आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन का होगा शक्ति प्रदर्शन। सोनिया राहुल गांधी समेत 28 दलों के नेता होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष ने राजधानी में रैली बुलाई है। इसे इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव समेत करीब 27 से 28 दलों के नेताओं के पहुंचने की संभावना है। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि यहां रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि रविवार को आयोजित होने वाली रैली से लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री का आवास स्थित है, वहां एक कड़ा संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समय अब पूरा हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रैली को लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिका अर्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। रमेश ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। यह किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, इसमें करीब 27 से 28 दल शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस रैली में हिस्सा लेंगे। उनकी यह टिप्पणी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी आपके नेता इस रैली को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित रैली के रूप में पेश कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सोनिया गांधी रैली में शामिल होंगी, रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निश्चित रूप से शामिल होंगे, जबकि सोनिया गांधी इसमें भाग ले सकती हैं।